इन ईवीएस ओपन चैप्टर नंबर 1 इन पेज नंबर 1 चैप्टर नेम व्हाट डिड पूनम सी, पूनम ने क्या देखा। सी हियर पूनम इज वॉज एट होम शी वॉज सिक माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे आई हैव बीन एट होम फॉर द लास्ट 2 डेज। पूनम है वो घर पे थी, शी वॉज सिक वो बीमार थी। पूनम ने कहा कि माँ मुझे स्कूल जाने दो, मैं 2 दिन से घर पे ही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड सेज पूनम, पूनम ने कहा कि मैं अभी यहाँ पे बोर्ड हो रही हूँ। यू स्टिल हैव फीवर गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट रिप्लाइड माँ, उसकी माँ ने रिप्लाई दिया कि तुम बाहर जाओ और जाके कोट के ऊपर सो जाओ, आप अभी भी आपको फीवर है। पूनम वेंट आउट, पूनम बाहर गई। शी फेल अस्लीप ऑन द कोट, वो जाके कोटेज में सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, सडनली उसके फेस के ऊपर कुछ गिरा। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच्ड हर चिक, पूनम एक ही बार में खड़ी हो गई और उसने अपने चिक को टच किया। ओ नो व्होज मिसचेफ इज दिस, उसने बोला वो नो व्होज मिसचेफ इज दिस, ये किसका प्लैंक था। इट इज ऑफ क्रोज और ऑफ पिजन्स, एक क्रो का है या पिजन्स का। इट सीम्स इट्स ऑफ क्रोज, एक क्रो का है ऐसा दिख रहा है। सी हियर पूनम जब बाहर कॉटेज में गई और वो सोई तब उसे ट्री दिखा और उसके ऊपर ऐसे एनिमल्स दिखे। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको पहचानना है। ये क्या है, बटरफ्लाई, पैरोट, स्पैरो, आंट मंकी, स्क्विरल दिख रहा है, ओ पिजन। यहाँ पे आपको एनिमल से उसे डिफाइंड करना है, पिजन, आंट, मंकी, बटरफ्लाई, क्रो, स्पैरो, पैरट एंड स्क्विरल। पहचान में आया कि कौन से एनिमल्स है, वो कैसे दिखते हैं। नाउ टर्न योर बुक पेज, पूनम लुक्ड अप, शी सो मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री। पूनम है वो, उसने देखा ट्रीज के ऊपर बहुत सारे एनिमल थे। राइट डाउन देयर नेम, उसके नेम यहाँ पे लिखो। तो कौन कौन से थे, क्रो, मंकी, बटरफ्लाई, आंट, स्पैरो, पैरोट, स्क्विरल एंड पिजन, ये आप लोगों ने लिख लिया है। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चिक, पूनम ने जमीन के ऊपर जो लीफ गिरा था उसे उठाया और अपना मुंह साफ किया। बट हर चीक वो स्टिल स्टिकी, अभी भी उसके चीक है वो स्टिकी थे। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पाउंड, मुझे जाने दो और मैं मेरा फेस है वो वॉश करूंगी नजदीक के पॉन्ड में जाके। वो वहां पे उसके नजदीक में जो पॉन्ड था वहां पे गई। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, यहाँ पे आपको एनिमल्स दिख रहे हैं। तो कौन से एनिमल्स पूनम ने पॉन्ड के पास देखे, तो देखो क्या आएगा, गोट यहाँ पे दिख रही है आपको गोट, फिर टोटोइज, फ्रॉग्स, स्टोक, फिर क्रेन, फ्रॉग तो एक बार लिख लिया, देन फिश एंड बफेलो, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे एनिमल्स उसे देखने मिले। दिख रहा है तो आपको पता चला कि वाटर में के आसपास कौन से एनिमल रहते हैं और ट्रीज के ऊपर कौन कौन से एनिमल रहते हैं। नाउ कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, क्या आपको पॉन्ड में जैसे एनिमल दिखे उसके जैसे आप एक्ट कर पाओगे। यस, आप फ्रॉग के जैसे जंप कर सकते हैं, गोट के जैसे आवाज निकाल सकते हैं, ऐसे एनिमल्स के जैसे एक्ट कर सकते हैं। What kind of sounds and movement these animals make?
आपको पता है कि जो एनिमल्स है वो कैसे कैसे साउंड निकालते हैं और कैसी कैसी मूवमेंट कर सकते हैं? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. आपको एनिमल्स के जैसे मूवमेंट करने की और साउंड निकालने की ट्राई करनी है. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मूवमेंट करते हैं. वो कैसे मूवमेंट करते हैं, देखो. सम एनिमल्स वॉक, कोई है वो चल के जाता है. सम है क्रोल, क्रोल मतलब अपने पेट के बल से चलना. लाइक लिजर्ड, लिजर्ड कैसे चलती है, तो लिजर्ड जैसे चलती है उसे कहते हैं क्रोल. सम फ्लाई, कोई उड़ के जाता है. सम एनिमल स्विम, कोई है वो तैरता है. एंड सम एनिमल्स होप, होप मतलब कूदना. कोई एनिमल है वो कूद के एक जगह से दूसरी, जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. नाउ थिंक एंड राइट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के हैबिटेट्स मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, देखो. फर्स्ट है लिव्स इन बुरो, बुरो मतलब बिल. बिल में कौन कौन रहता है, रैबिट है, मोल, ग्राउंड होग, गोफर, फिर आप यहाँ पे स्नेक भी लिख सकते हो. स्नेक है वो भी बिल में रहता है. तो आपको यहाँ पे जो बुरो में रहते हैं उसके नेम लिखने हैं, ओके. देन नेक्स्ट है लिव्स इन नेस्ट, नेस्ट में कौन कौन रहता है, तो स्पैरो, पिजियन, रोबिन, पैरोट. लिव्स इन हाउस, हाउस में कौन कौन रहते हैं, डॉग, काउ, हैन, पिग एक्सेट्रा. लिव्स इन वॉटर, फिश, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस एंड सी हॉर्सेस. ये जो एनिमल है वो कहाँ पे रहते हैं उसके मुताबिक हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया है. नाउ नेक्स्ट है रिकलेक्ट एंड राइट. आप में अभी आपको इसमें से वो एनिमल लिखने हैं जो कैन फ्लाई मतलब फ्लाई कर सकते हैं. तो कौन कौन फ्लाई करता है, पैरोट, क्रो एंड स्पैरो. कैन वॉक, कौन कौन चलता है, चल सकता है, हॉर्स, बफेलो, काउ. कैन क्रोल, क्रोल कौन करता है, लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल. कैन होप, होप कौन करता है, फ्रॉग, कांगारू एंड रैबिट. नाउ नेक्स्ट हैव अ टेल, कौन कौन से एनिमल्स की टेल होती है, कैट, डॉग एंड मंकी. नेक्स्ट हैव हॉर्न्स, किसे किसके हॉर्न्स होते हैं, डियर, ऑक्स एंड बफेलो. वॉक ऑन अ वॉल, वॉल के ऊपर कौन चल सकता है, आंट, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल. नाउ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन द ट्रीज, कई है वो लीव्स के ट्रीज के ऊपर रहते हैं. सम इन वॉटर, कई उसमें से है वो वॉटर में रहते हैं. सम लिव ऑन लैंड, कोई जमीन पे. सम लीव अंडर द ग्राउंड, कोई है वो अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे रहता है. सम फ्लाई इन द स्काई, कई है वो स्काई में फ्लाई कर सकते हैं. सम एनिमल इवन लीव्स इन अवर हाउस, उसमें से कई है वो हमारे घर में भी रहते हैं. तो आपको पता है कि एनिमल्स है वो ट्री के ऊपर रहते हैं, वॉटर में रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, लैंड के अंदर रहते हैं और स्काई में फ्लाई भी कर सकते हैं. और कई एनिमल्स है वो हमारे हाउसेस में भी रहते हैं. एक एक्टिविटी है वो मैंने बताया था कि आपको फिनिश करना है, तो आपने कलर कर लिया होगा. ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको इसमें कलर करना था. नाउ नेक्स्ट ड्रॉ द पिक्चर. हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल्स, कम्प्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो. यहाँ पे जो एनिमल्स है वो इनकम्प्लीट है, आपको उसे ड्रॉइंग करके कम्प्लीट करने हैं. कौन सा एनिमल है, डॉग, फिश एंड कॉकरोच. आपको इसकी ड्राइंग है वो फिनिश करनी है. नाउ फाइंड आउट एंड राइट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक पजल दी गई है, आपको इसमें से क्वेश्चन के आंसर देखने हैं और उसके ऊपर आंसर के ऊपर ऐसे राउंड करना है. तो देखो, बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग. बनाना ऐसे है कि जो मुझे खाना बहुत पसंद है. आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लिपिंग, मैं मेरा टाइम जंपिंग करने में और लिपिंग करने में बिताता हूँ.
तो हमें यहाँ पे उसका आंसर दिया है, वो कौन है जिसे बनाना बहुत पसंद है, वो है मंकी। देन नेक्स्ट, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वेव वेट इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव। वो वॉल के ऊपर होता है और उससे कोई इंसेक्ट है वो बच के नहीं जाता, उसके ऊपर वो स्टिक हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्पाइडर आएगा। क्या आएगा, आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी नाइट में सोता नहीं हूँ, एंड गोट टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, वो डे के लाइट है तब वो स्लीप करता है, तो वो कौन है, ओल, ओ डब्ल्यू एल, ओल। फोर्थ, क्रॉक 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 इज माय साउंड इन वॉटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, जिसकी आवाज क्रॉक क्रॉक है और जो लैंड के ऊपर भी दिखता है और वॉटर में भी दिखता है, ऐसा कौन है, यस वो है फ्रॉग। नाउ फिफ्थ, आई अपियर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रॉल, ये जो है वो हमें रेनफॉल के बाद दिखता है, इसके लेग नहीं है इसलिए वो क्रॉल करता है, वो कौन है, स्नेल, देखो स्नेल। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस आई लिव ऑन लैंड इन वॉटर, वो स्लो है एंड स्टेडी है, वो कहाँ पे पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, वो कौन है, टोर्टोइस, यस तो यहाँ पे आएगा टोर्टोइस। ओके, ये पजल है वो आपको फिनिश कर ली है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी थी, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखो ऐसे फिंगर का यूज करके और थंब का यूज करके एनिमल्स की प्रिंट बनाई है, आपको भी फिंगर एंड थंब का यूज कर एनिमल की पिक्चर बनानी थी यहाँ पे। सी मैजिक विथ फिंगर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखो, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स, आप यहाँ से कौन सी थंब की प्रिंट है और कौन सी फिंगर की प्रिंट है उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यस आपको दिख रहा है कि जो स्मॉल स्मॉल है वो फिंगर्स की प्रिंट है, जो बड़ी बड़ी है वो थंब्स की प्रिंट है। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वॉटर कलर्स, ऐसे ही आपको वॉटर कलर और इंक की हेल्प से मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, पिक्चर्स के एनिमल सॉरी एनिमल्स की पिक्चर बनानी है। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, आपको अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक पिक्चर बनानी है, यहाँ पे जो है उसकी कॉपी नहीं करनी है। डू नॉट कॉपी द वन शोन अबोव, आपको ऊपर दिखाया गया है उसके जैसे कॉपी नहीं करना है, आपको अपने इमेजिनेशन पावर से एनिमल से वो ड्रॉ करने हैं। कैन यू यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम, आपको वो पिक्चर्स यूज करने हैं। जो आपने मेड स्कूल में और घर पे बनाओगे और डेकोरेट भी कर सकते हैं। नाउ टर्न योर पेज, यहाँ पे एक पोएम दी गई है और यहाँ पे एक गेम दी गई है, तो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है और उसके साथ क्या करना है, वन पेज लेना है, उसे थ्री टाइम फोल्ड कर देना है। पहले फर्स्ट ग्रुप में से क्या होगा कि फर्स्ट ग्रुप में से कोई एक है जो उसका फेस और नेक ड्रॉ करेगा, फिर उसे फोल्ड करना है। सेकंड ग्रुप वाले क्या करेंगे कि यहाँ पे उसकी बॉडी है वो ड्रॉ करेंगे, फिर उसे फोल्ड कर देंगे। थर्ड ग्रुप वाले है उसे क्या करना है कि यहाँ पे उसे कोई भी एनिमल वो जो जिसके बारे में सोचे उसके यहाँ पे लेग ड्रॉ करने हैं। तो सभी ने अपनी सबकी इमेजिनेशन पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो कोई डिफरेंट ही एनिमल का फेस, डिफरेंट एनिमल की बॉडी एंड डिफरेंट के ही लेग ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसे जो फनी इमेज दिख रही है वैसी फनी इमेज देखने मिलेगी। आप अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेल सकते हो। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज।